क्योंकि भगवान जैसे भक्त की कथा सुनने के लिए तरसते रहते हैं, उत्कंठित होते हैं, और भक्त भी भगवान की कथा सुनने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। अचित भावी तत्व कहा जाता है। भक्त और भगवान एक जो एक दूसरे से ही लगे हुए जुड़े हुए। भक्त भगवान की कथा कीर्तन करके आनंद प्राप्त करते हैं, और भगवान भक्ति की कथा सुन करके आनंद लेते हैं। जहां जहां पर भक्ति की कथा होती है देखो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और भक्त क्या करते हैं भगवान की चरित कथा कीर्तन करके। जैसे आप लोग ने जगन्नाथ जी की कथा श्रवण किया, देखो द्वारकापुरी स्वयं मां रही देवी ब्रजवासियों की कथा जब कीर्तन करने लगे, और स्वयं कृष्ण और बलराम उस सुधर्म सभा में कैसे आ गए, और भगवान के भक्त की ऐसे अर्थात ब्रजदेवियों की विरह की कथा सुनते ही भगवान के शरीर पिघल गए, कृष्ण बलराम के शरीर क्या हुए पिघल गए, और बीच में सुभद्रा देवी ही बैठी जो दरवाजा बंद हुई, दरवाजा में दो हाथ रख करके खड़ी बैठी हुई थी। देखो बलदेव प्रभु और सुभद्रा और कृष्ण के शरीर कैसे पिघल गए, आज तक भी आप उनके दर्शन करते हैं। बोलो कृष्ण बलदेव सुभद्रा जीव की, आज तक भी मेरे कहने की यह तात्पर्य है, ये भगवान भी भक्त की कथा सुन करके कैसे प्रभुत हो जाते हैं। इसलिए भक्त के जीवन चरित्र कथा, भक्त की महिमा शास्त्र में पूरी पूरी प्रशंसा करते जा रहे हैं। इसलिए मैं इससे कह रहा हूं भागवत में जितने भी कथाएं हैं सब भक्त की जीवन कथा है। भक्त कैसे भगवान की सेवा की, हम एक साधक है, हम कैसे हम साधन करें। जैसे अम्बरीश महाराज एकादश इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा दी। यदि भागवत का हम अध्ययन करना श्रवण करना है तो अति अवश्य ही अम्बरीश महाराज की कथा श्रवण करना चाहिए, जिसे हमारे जीव गोस्वामी पाठ संदर्भ में भी वर्णन करते जा रहे हैं। यह भागवत में विशेष करके अम्बरीश महाराज जी की कथा, वित्रासुर जी की कथा, वित्रासुर का प्रसंग कथा, ये अति अवश्य श्रवण करना चाहिए। जिसमें अम्बरीश और वित्रासुर की कथा नहीं है वो भागवत भागवत कथा नहीं होती, ना माना जाता है। हमारे तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद प्रमाण देते हैं, वहां पर शिक्षा देते हैं एक साधक कैसे भजन करे। यद्यपि अम्बरीश महाराज साधक नहीं थे, वो सिद्ध भगवान के निमित्त परिकर भी माना जाता है, किंतु एक साधारण साधक कैसे भजन करे और सारी इंद्रियों के सेवा में कैसे लगाते। अम्बरीश महाराज के कौन थे, गृहस्थ थे। बहुत लोग के मन में प्रश्न है जो लाल कपड़े वाले संत महात्मा जो है वो श्रेष्ठ है, लोगों की आज तक भी लोगों के मन में ये विचार रखते हैं। जहां पर संत महात्मा कौन मिले कहते लाल कपड़े वाले, बस सत संत साधु संत हो संत मन सन्यासी हो श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु भागवत में दिखाया अम्बरीश महाराज गृहस्थ होते हुए पर भी कैसे भगवान की सेवा भी करते हैं। सभी मनोकृष्ण पदारविंद, देखो अम्बरीश महाराज अपने मन को क्या कहते भगवान की कथा आदि चिंतन में लगाए। सारी इंद्रिय एकादश ग्यारह इंद्रियों के ग्यारह इंद्रिय ही भगवान की सेवा में लगाए।
इसलिए हमारे आचार्य पाठ कहते हैं श्रेष्ठ कौन है, बोले जेई भजे सही बड़ा अभक्त इंचार कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन में छोटा बड़ा के नहीं कहा जाता है, वही बड़े होते हैं जो भजन करता है, है? जो भजन करता है, जो भजन नहीं करता है संत महात्मा भजन नहीं करते तो बड़े नहीं माने। एक गृह में रह करके यदि कोई भजन करे वो श्रेष्ठ माने जाता है, है? देखो एक छोटा कथा हमने आपने भी श्रवण किया था, भगवान दर्पहारी मधुसूदन किसके हृदय में थोड़ी सी अहंकार हो जाए, दर्प अहंकार हो जाए, भगवान क्या करते उसके दर्प अहंकार को चूर्ण विचूर्ण कर देते हैं। एक बार नारद जी के हृदय में अहंकार हो गया, मैं तो संत महात्मा हूं, मैं अधिक भजन करता हूं, यद्यपि नारद ऋषि मुक्त महापुरुष है उसमें कोई दोष नहीं है, कहीं अपराध न हो जाए, तथापि लोक शिक्षा के लिए ये दिखा रहे नारद जी के चरित्र अनेक है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक बार नारद ऋषि उसी प्रकार भी विचार करने लगे, जे मैं त्यागी सन्यासी हूं, मैं ज्यादा भजन करता हूं, मेरे मन सदा सर्वदा कृष्ण में लगते हैं, जो घर में रहते हैं गृहस्थ रहते हैं वो कहां भजन करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक अपने परिवार पालन पोषण में लगे रहते हैं, बच्चे को खिलाना पिलाना, स्कूल ले जाना, स्कूल से ले आना, है कि नहीं है? अब उसमें समय मिल जाए तो दो माला कर लेते, और नहीं तो नहीं, कहां समय कहां, घर संसार में जो रहते हैं उनके पास समय कहां है, आप बताइए समय नहीं। इसलिए नारद जी के इसी प्रकार भी मन मन विचार करने लगे, ये मैं ज्यादा भजन करता हूं, भगवान ये विचार करने लगे। अच्छा भगवान एक दिन बोले नारद एक काम करो, एक कटोरी ले आओ, कटोरी ले आओ और उसमें तेल डालो, तेल डाल दिया, बस उसमें एक बत्ती दिया जलाओ, और दिया जलाया और भगवान बोले देखो वो दिया ज्यादा दूर नहीं 50 मीटर दूर से, उस साइड से इस साइड ले आओ। नारद ऋषि किंतु शर्त क्या है, एक बूंद भी तेल छलक करके नीचे गिरना चाहिए और बत्ती भी बुझना चाहिए। देखो नारद ऋषि उस स्थान से इस स्थान तक लाने लगे और भगवान की जैसे हवा नहीं चले रही, और नारद ऋषि क्या करने लगे, बत्ती बुझना जाए इससे एक हाथ से ऐसे, एक हाथ से कटोरी के पकड़ा और दूसरी हाथ से ऐसे, और तेल छलक कर नीचे ना गिर जाए इसलिए बार बार उस तरफ देखने लगे, और उधर से इधर से किसी तरफ से नारद ऋषि उसे लेकर गया। भगवान ने कहा नारद जी बताओ ये इस स्थान से उस स्थान पर लाने में तुम कितना नाम किया, कितने भजन किया, बोले प्रभु मैं तो सभी भूल गया, केवल मैंने एक ही लक्ष्य है तेल न गिर जाए और बाकी वृंदावन जाए। भगवान कहते हैं देखो कितना ही लाने में तुम्हें सब भूल गए, और जो गृह में जाकर के भजन करता है, और देखो सब कुछ करते हुए पर भी जो दो मना कर लेते, चार मना कर लेते, छह मना जितने करते वो कम नहीं है, इसलिए शास्त्र ने कहा गया है जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है, और जो भजन नहीं करता है वो श्रेष्ठ नहीं। घर में रिजा नर्तम दास ठाकुर का भी गृह मनित ढाके ठाकुरंग बोले ढाके नरोत्तम मागे कावार समुद्र, जो घर में रह करते अथवा त्यागी हो करके वन में रह कर कहीं पर कहीं भी रहे जो भजन करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है।
है उसकी शिष्य मानते हैं। ये मैं किसी शब्द मात्र की निंदा नहीं कर रहा, मैं कोई गृहस्थ की निंदा नहीं कर रहा। कहने की यह तात्पर्य है हमें भजन के हमारे अनुकूल परिवेश में रह के भजन करना है। किसके नहीं कहा तुम गृहस्थ बनो, किसके नहीं कहा तुम साधु बनो, भजन के अनुकूल परिवेश में रह करके भजन करो। यदि गृह में रह करके भजन करना है तो करो। जैसे पांडव लोग भजन नहीं करते थे क्या? नारसिंह नारद ऋषि, देखो श्रीमद् भागवत में आ रही है, एक बार नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज के गृह में पधारे और उसे स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के गृह में विराजमान थे। और नारद ऋषि जब पधारे और युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी सभी लोग नारद ऋषि के ऊंचे आसन पर बैठे और स्तुति आदि करने लगे, उनकी सब प्रकार अर्चन आदि करने लगे। देखो नारद ऋषि स्वयं कहने लगे, जो अंग नील के पत भूरी भागा जे संद्रियानां बसती सच्चा। देखो उस समय नारद ऋषि स्वयं कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज जुवं नीलों के पत भूरी भागा, हे युधिष्ठिर महाराज आप लोग जैसे संसार में महान भगवान न हो तो न भविष्य। एक तो नारद ऋषि कहते हैं मेरे तो गृह नहीं है, आपके गृह में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम मनुष्य शरीर धारण करके आपके गृह में विराजमान है। जीवन निलोके वत भूरी भागा जे सन गृह नाम पशु साक्षात पर ब्रह्म। देखो आप लोग कैसे पर कैसे भगवान है, इसलिए आप लोगों की जो चौपट देवी यीशु का जो है और उस देवी के प्रणाम करने के लिए नित्य प्रत्यह देवता लोग आ जाते हैं जिस देवी में जो चरण धूलि पड़ा रहता है। क्यों? गुरम पर ब्रह्म स्वयं भगवान आपके घर में विराजमान है। स्वयं नारद ऋषि का है तो श्रेष्ठ कौन है आप बताइए, जो भजन करता जैसे युधिष्ठिर महाराजा ने पांडव लोग श्रेष्ठ बताया। इसलिए जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ है और जो भजन नहीं करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए जो भजन की हमें देखना है, आप लोग बहुत सौभाग्यवान हो महाराज के सानिध्य में बैठ करके भजन कर रहे हैं हरिनाम कर रहे हैं। देखो आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए ना, और हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, चौकी पर बैठे हुए, चौकी है ना। अच्छा बताओ चौकी में जो बैठते हैं चौकीदार कहा जाता है और जमीन पर जो बैठते हैं उसको क्या कहा जाता है, जमींदार। अच्छा बताओ जमींदार श्रेष्ठ है कि चौकीदार श्रेष्ठ है? अरे कम से कम तो जोर से तो बोलो, जमींदार श्रेष्ठ है। चौकीदार चौकी हम तो चौकी में बैठे हुए चौकीदार है। इसमें आप भी सुनो ये भी थे तराजू लेकर नापो। जो और देखो जो जो भारी वस्तु हो जाता है ना वो नीचे जाता है, जो हल्का वस्तु होता है ना वो ऊपर रहता है। जो आप लोग भारी है उनके आप लोग नीचे वृंदावन बिहार की। देखो ये भी प्रमाण है, हंस मजाक भी नहीं करे हम यदि देखे भागवत जी आलोचना करें। आप लोग तो बहुत बार भागवत श्रवण किया, महाराज जो तथक गए रसक गए महाराज के साथ हम बचपन में ही 40 साल तक बिताया, एक दिन नहीं है मथुरा वृंदावन में महाराज के साथ हम लोग रहे रसानंद ब्रह्मचारी गुरुदेव इससे बहुत प्रशंसा करते थे। नाम ही इतने सुंदर नाम है और हम गुरुदेव की इतने सेवा करते थे,
हमारे महाराज जो है भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, उनके जो सुना ब्रह्मचारी का नाम था श्रीपाद रसानंद ब्रह्मचारी, रस के आनंद इतने जो सुंदर कथा बोलते, रस मंद कथा बोलते थे, और श्री गुरुदेव की इतने सेवा की न भूतो न भविष्य, हर रोज गुरुदेव के चरण में जो है तेल मालिश करते थे। देखो वृंदावन में रहते थे और गुरुदेव के सेवा के लिए नित्य प्रतः वृंदावन से मथुरा जाते थे और गुरुदेव के स्नान के पहले गुरुदेव के तेल लगाते थे, तैलमर्दनम। हमारे श्री माधव महाराज सुंदर श्लोक भी इनके लिए भी प्रणाम मंत्र में रचना भी कर दिया, गुरु नमः ऐसे सुंदर सुंदर। मैं इसलिए कहा गुरु सेवा की करते, इसलिए महाराज जी के सानिध्य में आप लोग हरि कथा भी श्रवण कर रहे हैं और बहुत कथा जिनमें मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, टाइम जो है ये देखो हम जो कह रहे हैं श्रोता बड़ा है कि वक्ता बड़ा है, ये भी प्रश्न भी उठते हैं। देखो सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा श्रवण कराया और भागवत कथा किसने श्रवण किया है? परीक्षित महाराज की। अभी परीक्षित महाराज श्रेष्ठ है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्रेष्ठ है, ये भी तो देखना है। देखो हमारे बृहद भागवतामृत ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद स्पष्टीकरण कर दिया ये सुखदेव गोस्वामी पाद राधा कृष्ण की लीला में कौन थे? श्रियासुक अर्थात राधा जी की अत्यंत पालिता सुख पक्षी थे, छोटा बच्चा जो सुख सावक छोटा बच्चा है। राधा जी सुंदर अनार के दाना जो है खिलाती थी और क्या बोलते गोविंद दामोदर माधवेत्री गोविंद स्पष्टीकरण कर दिया श्रीमति राधिका नित्य प्रत्यक्ष छोटे बच्चा सुख के पक्षी जो है सावक की जो है सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाने के जो है खिलाती थी और ये सिखाती थी, यही मंत्र सिखाती। देखो वही सुख आज के सुखदेव गोस्वामी पाद के रूप में प्रकट हुए हैं, आप लोग श्रवण किए होंगे जिस सुखदेव गोस्वामी महाराज के जन्म वृत्तांत। कैसे सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन कहानी को भी श्रवण कराया देखो ऐसे सुखदेव कौन थे स्पष्टीकरण कर दिया राधा जी का सुखता से और परीक्षित महाराज कौन थे हमारे श्री बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं परीक्षित महाराज साक्षात गोपी भाव प्राप्त गोपी राधा जी की सखी माना जाता है। अच्छा बताओ सुख पक्षी श्रेष्ठ है कि राधा जी के सखी श्रेष्ठ है? आप बताइए कौन श्रेष्ठ है? राधा जी की सखी, सीधी बात। तो वक्ता कौन हो गया? सुखदेव गोस्वामी पाद। और श्रोता कौन बन गया? परीक्षित महाराज गोपी भाव प्राप्त साक्षात राधानी की सखी। इससे कहीं अहंकार ना हो जाए ये मैं वक्ता हूं इसे मैं बड़ा हूं और ये श्रोता छोटा, ऐसी नहीं। और देखो उसी सभा में भी यदि ऐसे भी विचार किया जाए सुखदेव गोस्वामी पाद जब भागवत कथा श्रवण कर रहे थे उस समय कितने श्रोताएं थे? देखो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के पिताजी व्यासदेव भी विराजमान थे, उनके पिताजी के पिताजी पराशर ऋषि व्यास पराशर और अनेक जो है
संत महात्मा तत्त्वज्ञ रसज्ञ मर्मज्ञ जगेंद्र ज्ञानेंद्र ऐसे श्री ऋषि महात्मा साहब बैठे हुए थे, कोई कमी नहीं थे। तथापि सभी लोग सुखदेव गोस्वामी पाद के आदर करके स्नेह करके प्रीति करके ऊंचे आसन पर बैठाया है और सभी लोगों ने सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखार रिंद से कथा श्रवण किया। इसके भी रहस्य है जो कथा में महाराज जी से श्रवण किया, बहुत सुंदर कथा श्रवण कराते हैं है। महाराज जी उस श्लोक सुनाते हैं ये एक दिन श्रीमती राधिका वह सुख पक्षी के आदर कर रही चुम्बन कर रही थी और सुख भी क्या अनुकरण कर रही है। जब उन जब राधा जी उसके सुख के जब चुमने लगे मन आलिंगन करके जब उससे चुम्बन करने लगे और सुख भी राधा जी के मुख से मुख के भी चुम्बन कर लिया। देखो राधा जी की मुखारविंद से अमृत जो है वो सुख पक्षी ग्रहण कर लिए और इससे सुखदेव की जो कथा जो होती है इतने मधुर राधा जी की स्वर जैसे है ऐसे स्वर से ही सुखदेव को संपाद करते थे कथा सुनाते थे। इससे सुखदेव को संपाद की कथा इतनी मधुर है और सभी सुखदेव के संवाद के ही आदर करके उनसे मुखारविंद से सभी लोगों ने श्रवण किया। यह करके मैं इस वक्त के यहाँ पर विराम देता हूँ। अभी कथा प्रसंग चल रहे समय भी अतिवाहित हो गया, मैं समय लेना नहीं चाहता हूँ। वंशा गुरु कृपा सिंधु पावन हो वैष्णव अतुल कृष्ण है।